संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने के लिए वाष्पन और संघनन की विधि का प्रयोग होता है। जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। समुद्र के खारे, खारे मतलब होता है नमकीन पानी, याद रखिएगा बच्चों, नमकीन पानी को उतले गड्ढों में जमा कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो गड्ढों में नमक के ढेर बन जाते हैं। इस नमक को कारखानों में आगे के शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि संघनन किसे कहते हैं।